सो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ड्रीम इलेवन ईसीसी टी10 सीरीज का जो ये पहला मुकाबला खेला जाएगा, ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला आईटीए वर्सेस जीईआर के दरमियान में होने वाला है। दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि आईटीए और जीईआर के कौन से खिलाड़ी का स्टेट्स किस प्रकार है, कौन से खिलाड़ी 2020 में किस प्रकार खेले हैं, 2021 का रिकॉर्ड क्या है, जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़ी का 2020 और 2021 का रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताएंगे दोनों ही टीम की तरफ से कौन से खिलाड़ी ओपन करते हुए नजर आएंगे, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसके मदद से दोस्तों यहाँ पे आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के शानदार टीम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम तैयार करना चाहते हैं और इस मैच से रिलेटेड अगर आप सारी जानकारी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल पाए और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो बेल आइकन है दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि ड्रीम इलेवन के आने वाले के जितने भी मैचेस है दोस्तों सारे मैचेस का वीडियो जैसे अपलोड होगा आपके पास दोस्तों सारी जानकारी मिल पाएगा, जितने भी आने वाले मैचेस हैं सारे मैचेस का वीडियो इस चैनल द्वारा अपलोड होगा और सारी जानकारी आपको सटीक तरीके से मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि दोस्तों आपको सही न्यूज मिल पाए मैचेस का। तो दोस्तों यहां पे ये करके आपको यहां पे जो एक लाइक का बटन दिख रहा है दोस्तों इस पे एक लाइक कर देना है। क्या होगा दोस्तों इससे कि मुझे एक मोटिवेट मिलता है आने वाले ड्रीम इलेवन के जितने मैचेस है सारे मैचेस को कवर करने का, तो आप लोग एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करते रहना। और यहाँ पे एक एरो का बटन दिख रहा है ये करना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों जिसमें 20,000 से ज़्यादा यूज़र ने ज्वाइन कर लिया है आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दो लिंक देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप पहुँच जाएंगे जिसमें से आप 20,000 से ज़्यादा यूज़र देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो आप जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के फाइनल टीम आपको वहीं पर देखने को मिलता है बिल्कुल फ्री। तो अगर आप 20,000 जिस प्रकार यूज़र हमारे हैं दोस्तों उसके तरफ बिल्कुल आप फ्री में अगर यहां पे हेल्प लेना चाहते हैं दोस्तों, चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो चाहे स्मॉल लीग की टीम हो, जिस प्रकार का ये न्यू मैच स्टार्ट होने वाला है काफी कुछ जानकारी आपको बाद में भी मिलेगा लाइन अप आने के बाद। इसके लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टेट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं पिच रिपोर्ट बता देता हूं, इस सीरीज के जितने भी मैचेस होने वाले हैं सारे एक ही ग्राउंड पे होंगे, आप यहां का पिच देख सकते हैं, और यहां का अगर आप एक एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे तो दोस्तों यहां पे 100 रन के आसपास फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी पिच बिहेवियर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस पिच है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो पेस बॉलर को काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल सकता है इस ग्राउंड में। तो मैक्सिमम खिलाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं बॉलर्स में से तो यहाँ पे पेस बॉलर को अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दोस्तों आई टी ए के टीम के शुरुआत करेंगे, यानी कि इटली की टीम के यहां पे गाइस टीम से शुरुआत करते हैं जो कि इनके प्लेयर्स का किस प्रकार परफॉर्म रहा है। चलिए निसार अहमद जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, जो कि 6 मैचेस खेले हैं 2020 में 89 रन उन्होंने स्कोर करा है। वहीं अगर देखेंगे दोस्तों तो 10 मैचेस यहां पे खेले हैं 2021 में जिसमें से 239 रन स्कोर कराया, 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। दोस्तों 2020 और 2021 का ये टी10 का रिकॉर्ड है जो कि बहुत ही शानदार, इस बंदे ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है और ये आपको विकेट कीपिंग में नजर आएंगे। दोस्तों ओवरऑल देखोगे 16 मैचेस इन्होंने खेले हैं दोस्तों जिसमें 328 रन स्कोर कराया, 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। तो ये काफी बढ़िया खिलाड़ी रहेगा और विकेट कीपिंग सीजन में आपको 2 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे इस टीम की तरफ से, जिसमें से यहां पे डिमित ये आपको हसन खेलते हुए नजर आएंगे जो कि 4 मैच खेले 48 रन स्कोर कराए। दोस्तों देख सकते हैं ये 2019 का ये रिकॉर्ड है, हालांकि 2 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे, इनके खेलने के काफी कम चांसेस है। मैंने इसके स्क्वाड के यानी कि अगर देखोगे इटाली के जितने भी खिलाड़ी बेंच में भी रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे 14 से 15 खिलाड़ी का स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइनअप आने के बाद दोस्तों अगर कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी खेलते हैं तो उनका भी स्टेट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, तो बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने 4 से 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा भी आपको बता के रखा है। तो याद रखना इनके खेलने के कम चांसेस है, लेकिन ये आपको खेलते हुए दिखेंगे, इनका सिलेक्शन भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा ड्रीम इलेवन पे, क्योंकि इनका स्टेट्स बहुत ही शानदार है आप देख रहे हैं। तो चलिए बैटिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं, यहां पे डिमित कोसाला खेलते हुए नजर आएंगे जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। दोस्तों बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे दोस्तों यहां पे तो लेफ्ट आर्म फास्टर बॉलर है, काफी बढ़िया खिलाड़ी दोस्तों,
206 मैच इन्होंने खेले, 83 रन स्कोर करा है, 2 विकेट इन्होंने अपने करियर में निकाले हैं, ये 2020 का रिकॉर्ड है। वहीं अगर देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 8 मैचेस खेले हैं 2021 में, 181 रन स्कोर करा और 1 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल देखोगे तो 14 मैचेस का इनका गैस करियर रिजल्ट है, जिसमें से 264 रन स्कोर करा और 3 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल बहुत ही शानदार खिलाड़ी है और जिस प्रकार का ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत शानदार आपको खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। बैटिंग से भी काफी बढ़िया इनका स्टेट्स है, अगर आप चाहे तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखेंगे जरावर सिंह के बारे में तो राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों। बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो ऑफ स्पिन आपको करते हुए दिखेंगे, 6 मैच इन्होंने खेले हैं, 122 रन स्कोर कराए और 2 विकेट निकाले, ये 2020 का रिकॉर्ड है। ये 2020 में काफी बढ़िया खेले थे, जिसमें से अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहीं अगर 2021 की बात करेंगे तो 7 मैच खेले हैं, 83 रन स्कोर कराए और 5 विकेट निकाले हैं। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 13 मैच खेले जिसमें से 205 रन स्कोर करा, 7 विकेट निकाले हैं। तो इनका अगर स्टेट्स देखोगे तो ये भी काफ़ी बेटर है खिलाड़ी और राइट हैंडेड बैट्समैन है, बढ़िया खिलाड़ी है, अगर आप चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में आपको 3 बैट्समैन इस टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें से यहाँ पे अहमद खान भी शामिल है जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम, यहाँ पे मीडियम बॉलर है, यानी कि आपको मीडियम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ज़्यादा पेस भी नहीं करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड यहाँ पे अगर देखेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन है, बैटिंग स्टाइल की बात करेंगे तो राइट हैंडेड बैट्समैन है। 6 मैचेस अपने करियर में खेले हैं, 46 रन स्कोर करा है, 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं, 2020 का ये रिकॉर्ड है दोस्तों। काफी बढ़िया खिलाड़ी है, अगर आप इनको लेना चाहते, एवरेज का देखो, इनसे कुछ खास उम्मीद रखना भी नहीं, ये एवरेज का बल्लेबाज है, बल्लेबाजी आपको यहां पे थोड़ा लेट करते हुए दिखेंगे, 3 से 4 नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। वहीं अगर देखेंगे 2021 का तो 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 41 रन स्कोर कराए, बॉलिंग करते हुए इसमें नहीं दिखे थे, 9 मैचेस ओवरऑल खेले हैं, 87 रन स्कोर कराए दोस्तों इन्होंने और 3 विकेट निकाले हैं। तो इनको मेरे हिसाब से फिलहाल ड्रॉप करते हुए चलो, अगर किसी को लेना है तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑलराउंडर में 2 खिलाड़ी आपको इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें से अमीर शामिल है जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों। बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो राइट आर्म फास्टर बॉलर है, बहुत ही सुपर यहां पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, 9 मैच खेले हैं और यहां पे जिस प्रकार का ये बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं, यहां पे देख सकते 201 रन स्कोर कराए और 6 विकेट निकाले हैं दोस्तों। 2021 का ये रिकॉर्ड है, 2020 में नहीं खेले थे, नए खिलाड़ी है, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने स्टैट्स रखा है, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी से भी आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर रवि पॉल की बात करेंगे तो राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो ये भी आपको मीडियम आपको यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ज़्यादा फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं दोस्तों 2020 में, बैटिंग से कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है, लेकिन बॉलिंग की बात करेंगे 2 विकेट निकाले हैं। 2021 में 5 मैचेस खेले हैं, 3 रन स्कोर करा, 2 विकेट निकाले, टोटल देखोगे 7 मैचेस खेले हैं, 3 रन स्कोर करते हुए 4 विकेट निकाले हैं। इनका स्टेट्स देखोगे तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, इनको भी आप इजी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग सेक्शन की बात किया जाए दोस्तों तो बॉलिंग सेक्शन में आपको बलजीत सिंह खेलते हुए दिखेंगे जो राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों। बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो ये भी राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है दोस्तों। अगर 7 मैचेस खेले हैं जिसमें 2020 का रिकॉर्ड है और 246 रन स्कोर कराए और 8 विकेट निकाले, ये भी बल्लेबाजी जिस प्रकार करते हुए दिखेंगे, बॉलिंग सेक्शन के ये खिलाड़ी है दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन में यहां पे आपको 3 खिलाड़ी दिखेंगे जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और यहां पे दोस्तों गेंदबाजी भी आपको कंप्लीट ओवर करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिसमें से ये शामिल है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, राइट हैंडेड बैट्समैन भी है, बॉलिंग सेक्शन में आपको नजर आएंगे, लेकिन बल्लेबाज जी आपको टॉप पे आपको करते हुए दिख जाएंगे। 2020 का रिकॉर्ड है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी अपने टीम में ले सकते हैं। बाकी मोहम्मद इमरान की बात करेंगे, ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों। यहां पे बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो ऑफ स्पिनर बॉलर है, बहुत ही शानदार ये बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, 9 मैचेस खेले हैं, 256 रन स्कोर करा, 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं। 2021 का ये भी करियर रिजल्ट है। दोनों के दोनों खिलाड़ी हाई इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, आप दोनों को जरूर ट्राई करना, कंफर्म आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। हां, बॉलिंग की बात एक अलग है, लेकिन बल्लेबाजी भी आपको करते हुए दिखेंगे, ये काफी कम लोगों को पता है दोस्तों, आप देख लेना। कोई भी अगर हम यहां पे स्टेट देख रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको ये चीज समझ में आएगा, ये जानकारी बहुत कम लोग आपको दे रहा होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ECS टिटन का जो कैसे यहाँ पे ऑफिशियल साइट है, उसी से ये स्टेट्स लिया गया है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी हमारे यूजर हैं उनको पता ही होगा कि दोस्तों हम ट्रस्ट पे वीडियो बनाते हैं और फैक्ट हमारी वीडियो में बिल्कुल रहता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि जिस प्रकार का यह बॉलिंग सेक्शन में जो खिलाड़ी है, बल्लेबाजी इस प्रकार करते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं ये भी खिलाड़ी जनाका वास जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों। बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो राइट आर्म देख सकते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलर है दोस्तों। इनका अगर स्टेट देखोगे, 9 मैचेस खेले, 112 रन स्कोर कर, 10 विकेट निकाले, ये भी 2021 का रिकॉर्ड है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, तो ये जो 2 खिलाड़ी है 2021 का खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, 2021 में इनका स्टेट्स है,
2021 में यहाँ पे देख सकते हैं 256 रन स्कोर करा था, 4 विकेट निकाले हैं। वहीं अगर इनके बारे में बात करें, ये भी बल्लेबाजी से स्कोर किया है और 9 मैच में इन्होंने 10 विकेट निकाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के, यहाँ पे तीनों के तीनों हाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी दोस्तों। ये जो स्टेट्स है इस प्रकार लिखने में और दोस्तों एक एक करके सर्च करने में काफ़ी टाइम लगा है, करीब दोस्तों 5 से 6 घंटा लगा है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना यार इस प्रकार के, अगर स्टेट्स आगे भी जानना है, आगे भी मैचेस का अगर आपको लेना है दोस्तों, तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी जरूर कर देना बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे जसप्रीत सिंह के बारे में, इनका स्टेट्स देख सकते हैं जो कि 2015 काफ़ी पुराना खिलाड़ी है और कुछ खास रिकॉर्ड है भी नहीं, एक ही मैचेस खेले हैं, तो मेरे हिसाब से इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। फिर भी इनका सिलेक्शन देखोगे ड्रीम इलेवन पे तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन हम लोग इनको ड्रॉप करते हुए चलेंगे। बाकी बात करेंगे आनंद मोहम्मद के बारे में जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग करते हुए आपको ये देखेंगे दोस्तों, लेकिन बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉलिंग स्टाइल तो यहाँ पे गए फास्टर बॉलर है, काफ़ी शानदार आपको फास्ट बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। टीम के ये भी काफी बढ़िया गेंदबाज है, 6 मैचेस खेले हैं 2020 में जिसमें से 28 रन स्कोर कराए और 6 विकेट निकाले हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 मैचेस खेले हैं, 142 रन स्कोर कराए, 6 विकेट निकाले दोस्तों, ये भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है, प्लस यहाँ पे गेंदबाजी भी काफी शानदार करते हुए दिखेंगे। तो अगर इनका अगर आप यहाँ पे ओवरऑल स्कोर देखोगे तो 14 मैचेस खेले हैं, 170 रन स्कोर कराए और 12 विकेट निकाले हैं, देख सकते हो दोस्तों काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। 14 मैचेस में 170 रन किए हैं, प्लस यहाँ पे बॉलिंग भी 12 विकेट इन्होंने बॉलिंग से निकाले हैं, तो ये भी बॉलिंग आपको कन्फर्म 2 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी यहाँ पे इटाली की, यानी कि अगर आप देखोगे दोस्तों तो ITA का ये जो स्टेट्स है सारे खिलाड़ियों का आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे GER के स्टेट्स की, तो यहाँ पे GER के टीम के तरफ से आपको विकेट कीपरिंग में नजर आएंगे दोस्तों मोहम्मद, जो कि बहुत ही सुपर खिलाड़ी है। इनका भी स्टेट्स अगर आप देखोगे तो एक ही मैच खेले लेकिन 5 रन स्कोर करे। सबसे अच्छी बात है कि अगर ये खेलते हैं तो टीम इनको टॉप पे बल्लेबाजी करने के लिए भेज सकता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनकी जो खिलाड़ी है काफ़ी आपको यहाँ पे खिलाड़ी देखेंगे जो नए हैं और इनको चांस देने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और इनको मैं भी लाया भी इसी वजह से गया होगा, क्योंकि 2021 का खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, टीम में इनको गए यहाँ पे ऐड किया। अगर ये खेलते हैं तो बल्लेबाजी आपको टॉप पे करते हुए दिख जाएंगे। इनको आप GL में ही लेना, बाकी स्मॉल लीग के लिए दोस्तों आप इस टीम के विकेट कीपर को ट्राई नहीं करना, आप इनके विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं जो ज़्यादा सेफ रहेगा। बाकी GL में चाहे तो आप उनके साथ जा सकते हैं निसार अहमद, जो ये आपके लिए स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी GL जिनको यहाँ पे दोस्तों GL में टीम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए ये इनको ले सकते हैं। बाकी बात करेंगे बैटिंग संघ के बारे में, शोएब अजम खान जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों, बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपको मीडियम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, मीडियम पेस बॉलर है। बाकी अगर आप देखोगे 7 मैच खेले 2020 में 188 रन स्कोर कराया, 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। 11 मैच खेले हैं 2021 में 248 रन स्कोर कराया और 1 विकेट निकाले हैं। दोस्तों टोटल देखोगे तो 18 मैचेस खेले हैं, यहाँ पे 436 रन स्कोर कराया और 3 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी इनको हम लोग ट्राई करेंगे। जिनका सिलेक्शन देखोगे तो सबसे कम है दोस्तों कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए, लेकिन इनको हम लोग कैप्टेंसी के लिए भी ट्राई करने वाले हैं। रीजन आपको पता ही होगा हमारा, हमेशा दोस्तों स्टेट्स के बेसिस पे टीम क्रिएट होता है और प्रॉफिट आपको पता ही होगा दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इस वजह से आप सिलेक्शन पे मत जाना। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके बारे में तो दोस्तों राइट हैंडेड बैट्समैन है और 9 मैचेस खेले 72 रन स्कोर कराया, 2020 का ये रिकॉर्ड है, इनको मेरे हिसाब से फिलहाल ड्रॉप करो। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों पे नेक्स्ट स्टडी के बारे में, इनका भी स्टेट देख सकते 2021 में खेले हैं जिसमें से 8 मैच खेले 106 रन स्कोर कराया, देखो बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे और ये आपको बैटिंग सेक्शन में ही नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इन दोनों को ड्रॉप करो, बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं अब्दुल शकूर की बात करेंगे दोस्तों, राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं ऑफब्रेक बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, जो कि 2019 से यह खिलाड़ी खेल रहा है। यही बात है दोस्तों, काफ़ी पुराना खिलाड़ी है, ये कारण को ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस इनके पास 7 मैच खेले हैं, 41 रन स्कोर कराए, 7 विकेट इन्होंने निकाले हैं। 2019 का रिकॉर्ड है, 7 मैच में 41 रन स्कोर, 7 विकेट निकाले भी है। 2 मैच खेले हैं दोस्तों 2020 में, 61 स्कोर यहाँ पे किया था, बॉलिंग यहाँ पे नहीं करते हुए नजर आए थे। बाकी 8 मैच में 94 रन स्कोर करा है 2021 में और 1 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल देखोगे 17 मैचेस खेले हैं, 196 रन स्कोर कराए और 8 विकेट निकाले हैं। ये दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने के चांसेस है, एक्सपीरियंस इनके पास और को अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर की बात करेंगे तो सैयद अजहर सजद जो कि बहुत ही सुपर खिलाड़ी रहने वाला है दोस्तों, ये ऑलराउंडर सेक्शन के जो ये खिलाड़ी इस टीम के तरफ से आपको 3 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें से इनका अगर आप स्टाइल्स देखोगे यहां पे बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो दोस्तों राइट आर्म स्पिनर है, काफी बढ़िया बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों। हालांकि स्पिनर को थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है इस पिच में, मैंने आपको पहले ही बताया था पिच रिपोर्ट में। 9 मैच खेले हैं, 28 रन स्कोर कराया, 2020 का रिकॉर्ड है। 4 मैच में यहां पे 1 रन बनाया है 2021 में, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं इनका, लेकिन आप GL में चाहो तो आप इनको ले सकते हैं।
बाकी फिन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 मैचेस खेले हैं 2020 में, एक ही साल में इनका आ गया स्टेट्स है जो 2021 में खेलते हुए नहीं दिखे थे। 44 रन स्कोर किए हैं पे और 1 विकेट निकाले हैं। वहीं रोहित सिंह की बात करेंगे दोस्तों, राइट हैंडेड बैट्समैन है। बॉलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो देख सकते हैं इनका ये मीडियम बॉलिंग आपको करते हुए देखेंगे, ज़्यादा पेस है नहीं इनका। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे 7 मैच खेले हैं, 117 रन स्कोर कराए 2019 में, 2 मैचेस खेले हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 33 रन स्कोर करा है 2020 में, 8 मैचेस खेले हैं 2021 में, 176 रन स्कोर कराए टोटल देखोगे 17 मैचेस में, देख सकते हैं 326 रन स्कोर कराया दोस्तों। बहुत ही सुपर बल्लेबाज है, ओवरऑल इनका स्टेट्स बहुत ही शानदार है बल्लेबाज, इसे आप एज ए बैट्समैन को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, ऑलराउंडर में नजर आएगा। लेकिन बॉलिंग तो अभी तक करते हुए नहीं दिखे अपनी करियर में। बाकी बॉलर्स की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो देख सकते हैं ये आपको बॉलिंग सेक्शन में नजर आएंगे, जो लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे बॉलिंग करते हुए देखेंगे बहुत ही शानदार बॉलर है दोस्तों। 10 मैचेस खेले हैं, 41 रन स्कोर करते हुए 13 विकेट अपने नाम की हैं। आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। 2019 का थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन 2020-2021 में ये खिलाड़ी खेला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, जो आपको कंफर्म 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी यहां पे फैयाज खान की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन है जो मीडियम फास्टर बॉलर है दोस्तों। यहां पे 5 मैच खेले, 9 रन स्कोर करा है, प्लस यहाँ पे 6 विकेट निकाले 2019 में, 6 मैच खेले हैं दोस्तों यहाँ पे 2018 में, 41 रन स्कोर करा है और 7 विकेट निकाले हैं। तो ये था हालांकि बॉलर, ये भी आपको कंफर्म 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, दोनों के दोनों टीम के मेन बॉलर है। बाकी दोस्तों ये था जानकारी जो कि आपको इस वीडियो के अंदर मिला है दोस्तों, दोनों ही टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं सारे खिलाड़ियों का 2020-2021 और दोस्तों जो पुराने खिलाड़ी है उनका भी स्टेट्स मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर स्टेट्स पसंद आए हैं तो एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। और दोस्तों लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि अगला वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बाकी दोस्तों सारे खिलाड़ियों को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बेस्ट टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट कीपर से। देखो सारे खिलाड़ियों का स्टेट्स आपने देख रखा है, 2020 का रिकॉर्ड, 2021 का रिकॉर्ड दोस्तों, यहां पे सिर्फ और सिर्फ उसी खिलाड़ी को ट्राई करेंगे जिनका स्टेट्स काफी शानदार था। तो आपको वीडियो को शुरू से देखा हुआ ना काफी ज्यादा जरूरी है अगर यहाँ पे आप समझना चाहते हैं तो। ITA की टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल रहेगा दोस्तों। बाकी मैंने GL के लिए ऑप्शन बता रखा है, अगर आप GL में लेना चाहते हैं तो GL के लिए दोस्तों विकेट कीपर में आप चाहे तो इनको साथ जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है। बाकी स्मॉल लीग के लिए इनको अपने टीम में ट्राई करेंगे। बाकी बात करते हैं बैटिंग के बारे में दोस्तों, यहाँ पर 3 बैट्समैन को मैंने ले रखा है। GER की टीम की तरफ से 2 खिलाड़ी, SAZM जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है, जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे इस मैच में, बहुत ज़्यादा चांस है कि ओपन करते हुए दिखेंगे। एनजेडरनी बहुत ही सुपर खिलाड़ी, इनको अपने टीम में लेंगे। जे सिंह की बात करेंगे दोस्तों, ITA की टीम की तरफ से हाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आप देखोगे तो डी कोसाला भी बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाला है, इनको अपने टीम में ट्राई करेंगे, जिनका सिलेक्शन देखोगे तो काफी कम है। लेकिन स्टेट्स मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था दोस्तों, आपको मैंने बताया है कि स्टेट्स के बेसिस पर टीम क्रिएट करेंगे तभी आपको रिजल्ट समझ में आएगा। बाकी सिलेक्शन कम है, अगर आप ड्रॉप करेंगे तो यह आपकी मर्जी है। बाकी बात करेंगे दोस्तों ऑलराउंडर के बारे में, तो 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी आपके टीम में होना जरूरी है। आर कॉल हाई इंपोर्टेंट रहेगा, ये सरीफ को अपने टीम में ट्राई करते हुए चलेंगे। देखो GER के टीम की तरफ से अगर आप इनको ट्राई करते हो तो आप ले सकते हो। बाकी लाइनअप आने के बाद अगर चेंजेस होता है तो मैं इनको अपने टीम में जरूर ट्राई करूंगा अगर ये खेलते हैं तो। बाकी स्टेट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है दोस्तों। बाकी आर सिंह का भी स्टेट्स मैंने आपको बताया है, अगर आप इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। लेकिन सिलेक्शन फिर भी कम है इनका, लेकिन फाइनल टीम में बहुत ज्यादा चांस रहेगा दोस्तों कि इनको भी अपने टीम में लेते हुए चलेंगे, जो कि आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन बात करेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मैंने 4 बॉलर को फिलहाल ले रखा है, जिसमें से अगर आप देखेंगे GER के टीम की तरफ से ये कंफर्म आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए देखेंगे, टीम के मेन बॉलर है। एफ खान भी आपको कंप्लीट 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। जी वास्ट भी टीम के काफी बढ़िया बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, जो कंप्लीट आपको 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। और लास्ट जो खिलाड़ी है एम इमरान का भी स्टेट्स मैंने बताया, जो कि सिलेक्शन तो कम है इनका लेकिन बहुत ही अच्छा स्टेट्स है दोस्तों, मैं इन दोनों को ट्राई करूंगा अपने टीम में। जो दोनों का अगर सिलेक्शन देखोगे तो कम है, लेकिन स्टेट्स देखोगे करियर रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही शानदार है। ए मोहम्मद को किसी को अगर लेना है लाइनअप आने के बाद अगर ये खेलते हैं तो याद रखना GL में जरूर ट्राई करना, कोई ना कोई भाई जरूर ट्राई करना, जो बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, ये बैटिंग भी करते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर फिलहाल टीम प्रीव्यू देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए दोस्तों काफी लोगों ने इनको ट्राई किया हुआ है, लेकिन हम लोग दोस्तों कैप्टनसी के लिए इनको ट्राई करने वाले हैं। SAZM खान जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, मैंने आपको पहले बताया है। और जे सिंह को दोस्तों यहाँ पे वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करेंगे। इस टीम को आप सेव करके रख लें, अगर किसी प्रकार के चेंजेस होता है लाइनअप आने के बाद तो फाइनल टीम आपको अपडेट करके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया दोस्तों लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।